घरों में सामने मत नहीं नहीं यार आ जा आ बोलो ना जा आ बोलो कि भाई यहां पे ये प्रॉब्लम है बस लग इधर से बोलो नहीं है हैं नहीं 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 एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ऐसे बोलो सभी इकट्ठी होके आई करेंगे तो सारी लोकेलिटी जो है साफ हो जाएगी नहीं तो आप लोगों की वजह से ये टैंक पॉल्यूट हो रहा है ठीक है सारा सराउंडिंग पॉल्यूट हो रहा है अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं उनको मुश्किल हो रही है तो आप लोगों की वजह से हो रही है ठीक है ना अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कौन प्रधानी चल गया मतलब वो प्रधानी आएंगे खाना दिखाना तो बहुत दूर की बात है पहले कम से कम इनको रहने के लिए एक अच्छा घर तो दो जहाँ कम से कम इनका दिमाग ठीक ठाक चल सरकार कब देगी ना जब उनसे मिल जाएगा कि आप लाए सरकार से लाना है देव की गाड़ी हर किसी को देना है वसुधा की तरफ से और NSS JNGEC की तरफ से हम कुछ छात्र और वसुधा संस्था के कुछ मेंबर्स हम इस स्लम एरिया में आए हैं और हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है और यहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से सफाई में रह कर के इनको इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमने ये देखा है कि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो है नहीं कि ये स्लम एरिया है ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन ना ही डस्टबिन है ना लाइट्स हैं और ना ही टॉयलेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत अभियान में यही है कि सब जगह टॉयलेट्स होने चाहिए और बेसिक जो क्लेंलीनेस है उसका प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने इन सब लोगों से यहाँ पे बात की और इनकी समस्या सुनी और हमने